इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखते हैं गाइस, पहला है गेट वाइज टू। दोस्तों इसका मतलब है अच्छी जानकारी है। जैसे मान लो दोस्तों आपने बोला कि मुझे इस बारे में अच्छी जानकारी है, मुझे गणित की अच्छी जानकारी है, उसे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, मुझे मैथ की अच्छी जानकारी है, मेरी बहन को इंग्लिश की अच्छी जानकारी है। तो दोस्तों इस टाइप के सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको इसी टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है मैं आपको बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल है मुझे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है। तो समझ लेते हैं गाइस सबसे पहले स्ट्रक्चर यानी रूल। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट, इसके बाद लगाना है गेट। यदि दोस्तों सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे और प्लूरल हो तो आप लगाओगे गेट, और यदि सब्जेक्ट आपका ही शी इट और थर्ड पर्सन कोई सिमिलर हो तो आपको यूज कर देना है गेट्स प्लस वाइज टू एंड देन लगाना है गाइस ऑब्जेक्ट। क्लियर? समझते हैं एग्जाम्पल से। मुझे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है तो सबसे पहले गाइस आपको अकॉर्डिंग टू रूल क्या यूज करना है, आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? मुझे, इट मींस आई। अब आई के साथ दोस्तों आप क्या लगाओगे, गेट लगाओगे या गेट्स लगाओगे? आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ आपको लगाना है गेट। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है वाइज टू, वाइज टू एंड देन लगाना है ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, इट मींस कंप्यूटर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई गेट वाइज टू कंप्यूटर, इट मींस मुझे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है। क्लियर? अगला एग्जांपल है उसकी बेटी को इतिहास की अच्छी जानकारी है। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसकी बेटी, इट मींस हर डॉटर, हर डॉटर। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है गेट या गेट्स, दोनों में से किसी एक को, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका गाइस क्या है? सब्जेक्ट है हर डॉटर, इट मीन सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यूज करना है गेट्स। इसके बाद लगाना है वाइज टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसकी बेटी को इतिहास की अच्छी जानकारी है, इट मीन्स हिस्ट्री। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, हर डॉटर गेट्स वाइज टू हिस्ट्री, इट मींस उसकी बेटी को इतिहास की अच्छी जानकारी है। क्लियर? अगला एग्जांपल है आपकी बेटी को साइंस की अच्छी जानकारी है। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट है आपकी बेटी, इट मींस योर डॉटर, योर डॉटर। अब सब्जेक्ट गाइस आपका कैसा है? सब्जेक्ट है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ गेट्स, गेट्स। इसके बाद लगाना है वाइज टू। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है साइंस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, योर डॉटर गेट्स वाइज टू साइंस, इट मींस आपकी बेटी को साइंस की अच्छी जानकारी है। क्लियर? अगला एग्जांपल है मुझे इस बारे में अच्छी जानकारी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ गेट। इसके बाद लगाना है गाइस वाइज टू, वाइज टू एंड देन लगाना है ऑब्जेक्ट, इस बारे में, इट मींस अबाउट दिस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, मुझे इस बारे में अच्छी जानकारी है, इट मींस आई गेट वाइज टू अबाउट दिस। अगला एग्जांपल है मुझे गणित की अच्छी जानकारी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ गेट, इसके बाद लगाना है वाइज टू एंड देन लगाना है ऑब्जेक्ट, गणित की, इट मींस मैथ। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई गेट वाइज टू मैथ, इट मींस मुझे गणित की अच्छी जानकारी है।
क्लियर दोस्तों, आप ऐसे सेंटेंसेस भी डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे हकीकत में वह जा रही है, हकीकत में मैं वहां जाऊंगी, हकीकत में मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी गाइस आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोले समझते हैं गाइस। इनफैक्ट का मतलब है हकीकत में। तो देख लेते हैं इसका रूल। सबसे पहले लगाना है इनफैक्ट, इसके बाद गाइस आपको यूज करना है सेंटेंस। अब सेंटेंस गाइस आपका कैसा होगा, सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। समझते हैं एग्जांपल से, हकीकत में वह जा रही है। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू रूल आप यूज करोगे इनफैक्ट, इनफैक्ट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस आपका क्या है, वह जा रही है। अब ये सेंटेंस है गाइस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वह जा रही है, इट मींस शी इज गोइंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया इनफैक्ट शी इज गोइंग, इट मींस हकीकत में वह जा रही है। अगला एग्जांपल है हकीकत में वह पागल है। तो सबसे पहले इनफैक्ट, इनफैक्ट, इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह पागल है। अब ये सेंटेंस गाइस आपका कैसा है, ये सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का, और प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। वह पागल है, इट मींस ही इज मैड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस इनफैक्ट ही इज मैड, इट मींस हकीकत में वह पागल है। अगला एग्जांपल है हकीकत में मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो सबसे पहले यूज करना है इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू रूल, इनफैक्ट, इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस आपका कैसा है गाइस, सेंटेंस है मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो ये सेंटेंस है दोस्तों आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जाऊंगी, इट मींस आई विल नॉट गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया इनफैक्ट आई विल नॉट गो देयर, इट मींस हकीकत में मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्लियर। अगला एग्जांपल है हकीकत में उसने मुझे बताया। तो सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल इनफैक्ट, इनफैक्ट, इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है उसने मुझे बताया। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपका कैसा है, ये सेंटेंस है गाइज पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उसने मुझे बताया, इट मींस ही टोल्ड मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस इनफैक्ट ही टोल्ड मी, इट मींस हकीकत में उसने मुझे बताया। अगला एग्जांपल है हकीकत में मैं उससे बात करूंगी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है इनफैक्ट, इनफैक्ट, इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है मैं उससे बात करूंगी। तो ये सेंटेंस है दोस्तों आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं उससे बात करूंगी, इट मींस आई विल टॉक टू हर। यहां पे गाइस हम मानकर चलेंगे फीमेल, इसीलिए यहां पे मैंने लगाया हर। यदि दोस्तों आप मानते यहां पे मेल तो आपको लगाना होता हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस इनफैक्ट आई विल टॉक टू हर, इट मींस हकीकत में मैं उससे बात करूंगी। क्लियर। हकीकत में वह डरपोक है। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है इनफैक्ट, इनफैक्ट, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस गाइस आपका कैसा है, ये सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का, और प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। वह डरपोक है, इट मींस ही इज टिमिड।
तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, इन फैक्ट ही इज टिमिड, इट मींस हकीकत में वह डरपोक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप गेट वाइज टू एंड इनफैक्ट से एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।